मैं आपके लेके आया हूँ वेज क्रिस्पी रोल की रेसिपी, जो कि आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैं आपको दिखाने वाला आप कैसे घर पे वेज क्रिस्पी रोल बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले इस कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने वाला हूँ। ये वेजिटेबल ऑयल है नॉर्मल। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, जिसे मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। ये 2 मीडियम साइज का गाजर है, जो कि 150 से 200 ग्राम के आसपास होगा। गाजर ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करने वाला हूँ, इसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और ये 2 बड़े साइज का शिमला मिर्च है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं पत्ता गोभी, ये भी 200 ग्राम के आसपास है, इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। एक्चुअली जो है स्प्रिंग रोल में सब इसी शेप का जाता है, लंबा लंबा आपको जुलियन में काटना रहता है। और सबसे लास्ट में अगर आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं, और इसे भी मैंने इस तरह छोटा सा काट लिया है। आप ध्यान रखिएगा इसमें स्प्रिंग अनियन डालिएगा, नॉर्मल अनियन मन डालिएगा, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अब ये हमने ऐड कर लिया है, अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करने वाले हैं। अब अपने स्वाद के अनुसार इसमें आपको नमक ऐड कर लेना है। नमक ऐड कर लेने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो नमक है वो सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो है ये सब्जी अपना पानी भी छोड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, और आपको ये सब हाई फ्लेम पे करना है, ताकि जो आपका सब्जी है वो पक भी जाए और ज़्यादा पानी ना छोड़े। इसलिए ये सारे जो स्टेप है इसे हाई फ्लेम पर ही आपको करना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें कैसा शाइन आ चुका है। अब मैं इसमें डार्क सोया सॉस यूज़ कर रहा हूँ 2 टेबलस्पून, और 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगा चिली सॉस का। और अब इसे भी डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुझे 5 मिनट हो चुका है इसे हाई फ्लेम पे पकाते हुए, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है, बट एकदम से मैश ही नहीं हुआ है, अभी भी ये एकदम खड़ा खड़ा है सारी सब्जियाँ, और इसका बाइट जो है हमें फील होगा। तो ये स्टेज पे हम इसे बंद करेंगे गैस को। अब हमें एक बाउल चाहिए होगा और एक ऐसा छन्नी, ताकि जो हमारा इसका जो पानी रहेगा हमारी वेजिटेबल्स का, वो वेजिटेबल का पानी जो है वो अच्छे से इसमें से निकल पाए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फिलिंग्स थी स्प्रिंग रोल की, हमारी जो सब्जी है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और धीरे धीरे ये ठंडा भी होता रहेगा, और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी भी छोड़ने वाला है हमारी सब्जियाँ, वो भी जो इस छन्नी की मदद से वो निकल जाएगा। और जो हम इसको फिल करेंगे हमारे स्प्रिंग रोल के शीट्स में, तो हमारा जो स्प्रिंग रोल का शीट है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये स्टेज करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वरना जो आपका स्प्रिंग रोल है वो फट भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है। आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो कैसे ड्रेन हो रहा है। इस पानी में बहुत फ्लेवर है, आप चाहे तो इसमें केचप या मेयोनीज डाल के इसे एक डिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे करेंगे साइड में और चलेंगे शीट्स बनाने की तरफ। अब वेज रोल का शीट्स बनाने के लिए हमें मैदे का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास 250 से 300 ग्राम मैदा है, और मैदे को हमें मिलाना है, थोड़ा पतला करना है पानी डाल के। उसके लिए मिलाने के पास ये विक्स है, और इसी की मदद से हम इसे इस तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी स्पैचुला वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो। पर उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा मैदा है एकदम सादा ना लगे, इसमें भी हल्का सा टेस्ट हो। तो अपने स्वाद के अनुसार आपको इसमें नमक ऐड कर लेना है। नमक ऐड कर लेने के बाद आपको इसमें पानी ऐड करना है, पर ध्यान रखिएगा आपको एक साथ पानी मत डालिएगा, वरना आपको अंदाज़ा नहीं पड़ेगा, और आपका जो ये बैटर है वो तो ज़्यादा पतला भी हो सकता है, जो कि ख़राब भी हो सकता है। तो आपको धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करना, मिलाते जाना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मुझे तकरीबन 800 ml पानी लगा है इसे मिक्स करने के लिए। और अब हम इसमें 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल क्यों डाल रहे हैं हम, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका क्या फ़ायदा है, क्या होगा वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ऑयल डाल देंगे, अब इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, और हमें इसे रेस्ट करने के लिए रखना है कम से कम 15 मिनट। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना थिक है। उसके लिए मैं एक ऐसा स्पून लूँगा और स्पून को इसके अंदर डिप करूँगा, और आप देख सकते हैं जब मैं इसे निकाल रहा हूँ, इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आई है। ये काफ़ी मोटी लेयर नहीं है, पतली सी लेयर है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको एक कट करके दिखा रहा हूँ उंगली से, आपको इतना ही थिक रखना है। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊँ, जो हमारा जो लस्सी होता है उससे थोड़ा सा और आप पतला कर सकते हैं।
तो ये रेडी है, हम इसे करते हैं साइड में और मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुका है, अब मैंने नॉन स्टिक पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करूँगा और फ्राई पैन को इस तरह टर्न करते हुए पूरा इसे कवर कर लेना है। आप देख सकते हैं साइड में थोड़ा सा ये कवर नहीं हुआ है बैटर, तो उसके लिए आप वापस से ऊपर से थोड़ा सा बैटर डाल सकते हैं जहाँ पे कवर नहीं हुआ है और इसे पूरी तरह कवर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करना है, क्योंकि ये आप नॉर्मल पैन में आप करेंगे तो चिपक जाएगा और अच्छे से ये काम नहीं करेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी जल्दी जो है वो पकना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा जब तक ये जो अपना किनारा है, साइड्स है, वो नहीं छोड़ता है, तब तक आपको इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। बिकॉज ये जब गर्म रहता है तो ये बहुत डेलिकेट होता है, फटाक से फट जाता है। हाँ, एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो हमें इसे एक बार अच्छे से थोड़ा पकने तक का इंतज़ार करना है। और आप इसमें ऑयल ऐड किया है हमने जो पहले से, तो वो अपना काम करेगा और इसे ज़्यादा इसे चिपकने नहीं देगा, तो वो आपको इधर यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक पक चुका है। और इसके बाद इसमें ऐसा टावल डालूंगा और इसे ऐसे फ्लिप कर लूँगा, जो हमारा जो रोटी है, हमारा जो शीट है, वो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इसी तरह आपको सारा शीट्स बना लेना है। और मैं आपको एक चीज़ पहले से क्लियर कर देता हूँ, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो स्टार्टिंग का 2 से 3 शीट्स ख़राब होगा ही, क्योंकि आपको ये फर्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम जाएगा, उसके बाद आपसे ये प्रॉपर बनता जाएगा। तो आइए मैं आपको आके दिखाता हूँ कैसे हमें क्रिस्पी रोल को असेंबल करना है। हमारे वेज रोल का जो फिलिंग है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसका जितना पानी है वो अच्छे से निकल चुका है। आप वेजेस देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और जो इसका पानी है वो काफ़ी फ्लेवरफुल है। आप इसका डिप बना सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और मिक्स करनी है, जिसके लिए हमें इसे सबसे पहले एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है ताकि हम इसे अच्छे से मिक्स कर पाए। मैं इसको थोड़ा सा और टेस्टी और थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे सेज़वान का इस्तेमाल करूँगा। इसमें मैं 4 टेबलस्पून सेज़वान ऐड करूँगा। सेज़वान में क्या है, थोड़ा तीखापन, थोड़ा सा टैंगीपन और जो है जिंजर और गार्लिक का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और साथ ही साथ में थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे पकाते वक्त थोड़ा सा शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और फाइनली जो हमारा फिलिंग है वो पूरी तरह रेडी है। अब आगे क्या करना है चलिए वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटे से कटोरी में 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा लिया हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसे एक अच्छा सा थोड़ा थिक सा बैटर बनाना है। एक तरह से समझिए ये हमारा जो रोल है उसके चिपकाने का काम आएगा, तो इसे जो है रोल का ग्लू भी आप कह सकते हैं। तो ये जो हमारा बैटर है वो रेडी है, अब इसे करते हैं साइड में और असेंबल करते हैं हमारा जो वेज रोल है उसको। तो उसके लिए मेरे पास शीट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये ठंडा होने के बाद आपको हैंडल करने में बहुत आसानी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत हो चुका है, अभी ये टूट नहीं रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने इसका फिलिंग बना के रखा था उस फिलिंग को इसमें ऐड कर लेना है संभाल के। और आपको जितना जाड़ा या पतला आपको पसंद हो उस हिसाब से इसमें फिलिंग ऐड कीजिएगा। मुझे थोड़ा जाड़ा पसंद है, क्योंकि क्या है एकदम पतला रहता है तो अच्छे से इसका फ्लेवर आता नहीं है, इसे मुझे थोड़ा जाड़ा पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा फिलिंग इसमें ऐड कर रहा हूँ और अच्छे से ये खाने में मज़ा भी आएगा। फिलिंग ऐड कर लेने के बाद इसके जो दोनों साइड है उसको इस तरह फोल्ड कर लेना है और थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ताकि आपको फोल्ड करने में आसानी हो। उसके बाद जो इसका पीछे का साइड है उसको भी उठा के वेजेस के ऊपर रख लेना है इस तरह। और उसके बाद जो हमने मैदे का एक पेस्ट बनाया था, जैसे कि हमने इसे ग्लू भी जैसे कि कहा था, उसे अच्छे से लगा लेना है। और इसको लगाने से क्या होगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा और ऑयल में जाने के बाद जो है ये खुलेगा नहीं, तो ये एक तरह से ग्लू का काम करेगा और आपका जो क्रिस्पी रोल है उसे सेफ रखेगा। और इसका एक और प्लस पॉइंट होता है, अगर आपका जो ये रोल है अगर कहीं से फट गया है तो आप उसके ऊपर ये लगा सकते हैं और ये फिर जो है ऑयल को अंदर घुसने नहीं देगा। तो हमारा रोल जो है वो पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के रोल्स को भी बना के तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इन सबको फ्राई कर लेंगे।
रोल्स फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और हम जो हमारा रोल है इसे हाथ संभाल के धीरे धीरे आपको इसमें ऐड कर लेना है, और इतना ही रोल ऐड कीजिएगा जितना कि आप इसमें हैंडल कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए आपको इसे हाथ नहीं लगाना है, एक बार ये सेट हो जाए उसके बाद आप इसे फ्लिप कर सकते हैं। मुझे 6 से 7 मिनट इसे लगे हैं मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो जो अच्छे से पक चुका है हम उसे निकाल लेंगे, और जो अभी भी थोड़ा सा लाइट कलर है हम उसे अच्छे से और पकने देंगे। तो हम इस रोल को निकाल लेंगे और करेंगे सर्व। क्रिस्पी वेज रोल तैयार है हमारा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और कितना क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी भी है। आपने देखा आप किस तरह इसे घर पे बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक पीस कट करके दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा अंदर से भी फील है, और जो इसकी सब्जी है अभी भी वो खड़ा खड़ा है, और जब इसे आप बाइट लेंगे तो आपको फील होगा। तो क्रिस्पी रोल तो पूरी तैयार है। तो आपसे मेरी हर बार की तरह खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी और भी वीडियो है आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, उसके भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो के साथ किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।